नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आयातकारी युवा आशीष श्रीवास्तव ने कोटी कॉलोनी पहुंचकर टिहरी झील महोत्सव 2021 की तैयारियों का जायजा स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गंगा आरती स्थल, मुख्य पंडाल, स्टेज स्टॉल सहित साहसिक खेल गतिविधियों हेतु चिन्हित भूमि स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार साहसिक खेल गतिविधियों में आर्मी, BSF व ITBP के द्वारा भी प्रतिभाग किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल नया और अद्भुत कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा कि महोत्सव को नेचुरल लुक दिए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत मुख्य पंडाल, स्टेज, प्रवेश द्वार इत्यादि में बुरांस के फूलों इत्यादियों से सज्जा की जाएगी। पहाड़ों की अद्भुत संस्कृति को विश्व पटल पर दर्शाने और लाने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट पर कार्य करने जा रहे हैं, जिसके तहत पहाड़ी शैली के घर बनाकर गांव की पूरी संस्कृति व वेशभूषा को दर्शाया जाएगा। कहा कि इसमें बद्री गाय, खेत, बड्डू के दाल व भात, बद्री गाय के दूध के चूल्हे पर बनी चाय जैसे आदि के माध्यम से स्थानीय स्तर पर किसी गांव की दिनचर्या व गतिविधियों को दर्शाया जाएगा। इस हेतु जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी JP तिवारी को दायित्व सौंपते हुए रूपरेखा तैयार करते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान आर्मी के कमांडर DD यादव ने जिलाधिकारी को बताया कि साहसिक खेलों के लिए तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों के लिए साइट सिलेक्शन कर लिया गया है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, पैरा डाइविंग, स्काई डाइविंग जैसे कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए सेनाओं को प्रशिक्षित जवान तैयार हैं। जिलाधिकारी ने पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए कि सेनाओं के अधिकारियों, जवानों के लिए भोजन व आवास का प्रबंध प्राथमिक के आधार पर किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग के S नेगी को निर्देश दिया कि मुख्य पंडाल, फूड कोर्ट, स्टॉल, पैगोडा हेतु चिन्हित भूमि के अलावा अन्य स्थानों का समतलीकरण आज से ही प्रारंभ कर दिया जाए, ताकि स्ट्रक्चर निर्माण कार्यों में समय से प्रारंभ किया जा सके। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अच्छी तैयारियां चल रही हैं और इस बार UTTB के सौजन्य से वहां पर आर्मी के एडवेंचर विंग, BSF, ITBP सभी का पार्टिसिपेशन इस बार यहां हो रहा है, तो काफ़ी अभूतपूर्व हमें पूरा यकीन है कि यहां एडवेंचर का जो डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, जिसमें स्काई डाइविंग, पैरामोटरिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सब सभी चीज़ें होंगी। स्कूबा के भी हम विकल्प तलाश रहे हैं और उम्मीद है कि इससे उसमें भी हमें कुछ सफलता मिलेगी। तो ये और फिर उसके अलावा हॉट एयर बलूनिंग और जितने भी एडवेंचर की एक्टिविटीज़ जो पहले भी होती हैं वो भी रहेंगी, और नई जो थी वो स्काई डाइविंग, पैरामोटरिंग, वो सब मैंने आपको बताया। उसके अलावा एक एग्रो टूरिज्म का डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसमें कृषि की समस्त संरचनाएं जो हमारे जिले में, उनको एक हम छोटे सेटअप में दिखाने का एक मॉडल भी, उस पर भी विचार कर रहे हैं। पूरे जो थीम हम लोगों के फेस्टिवल का, वो टूरिज्म तो है ही है, वोकल फॉर लोकल है ही है, और साथ ही नेचर और कल्चर जो डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का है, उससे हम काफ़ी जुड़ाव इस फेस्टिवल का करना चाह रहे हैं। तो जो डेकोरेशन भी सारे होंगे वो इन्हीं थीम्स पे होंगे, प्रोडक्ट्स भी सारे इन्हीं थीम्स पे होंगे, कल्चरल भी इसी थीम पे होंगे। तो एक तरीके से हम स्टेट को शोकेस कर रहे हैं टिहरी झील के माध्यम से, जो स्टेट का कल्चर है, यहाँ के नेचुरल ब्यूटी है, इन सबको शोकेस कर रहे हैं। तो ये नया है इस बार।